नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। निगरानी विभाग ने पूर्णिया में फिर एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 22 थाना में पदस्थापित दारोगा को 35,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दारोगा प्रणब मरांडी 22 थाना में दर्ज कांड के मामले में घूस लेते ले रहे थे। पीड़ित उबिदुर रहमान जब पूर्णिया न्यायालय के आगे एक चाय दुकान में दारोगा को घूस दे रहे थे, तभी निगरानी विभाग ने उसे नंगे हाथों गिरफ्तार किया और अपने साथ पटना ले गए। पीड़ित उबिदुर रहमान ने बताया कि 17 सितंबर 2020 को उसके भाई सद्दाम की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने थाना कांड संख्या 225/20 दर्ज कराते हुए लम्हा बेगम, उसके भाई और बहन को आरोपित बनाया गया था, जिसका अनुसंधान अभी चल रहा था। पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने केस से बचने के लिए मेरे और मेरे भाई इजहार के ऊपर पास्को एक्ट लगाकर केस दर्ज करवाया है। हम परिवार के रूप हमारे डीएसपी है श्री अरुणोदय पांडे, इंस्पेक्टर सत्यनाराम, जहांगीर अंसारी, जोगिंदर कुमार, सब इंस्पेक्टर में गणेश कुमार, अविनाश कुमार झा, सहायक अवर निदेशक है श्री सी के एस कुमार सिंह, सिपाही रंजीव कुमार सिंह और मणिकांत सिंह। बोला किस तरह की कार्रवाई की है? छह तारीख को आपत्ति जमीन विवाद के विवाद हुआ था, जिसमें परिवार का भी हत्या हो गई, उसी में ये केस किए थे कांड संख्या 225/20, जिसमें 27 थे, अब 5-6 अज्ञात थे। अभी तक उस केस में जो है मात्र 6 आदमी बिल कराया है न्यायालय से, और अभी तो लोग अपने बचने के उद्देश्य इस परिवादी पर और उनके एक आदमी पर कोर्ट में कंप्लेंट के पास्को एक्ट के तहत रेप केस कर दिया। उस केस में भी माननीय न्यायालय से दोनों आदमी जमानत पर मुक्त है। उसी केस में जो सब इंस्पेक्टर है प्रणव मरांडी, जो आज 35,000 रुपये रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने बोला कि आपके केस को जो आप पर केस हुआ है वो कमजोर कर देंगे, आपके केस को मजबूत कर देंगे, आप डायरी देख लीजिए, आप रुपया दीजिए, जिसमें 35,000 रुपये में फाइनल हो गया। आज देने की बात थी, उसी में ये कोर्ट चले आए थे दरवाजी, आप बना रहे थी कोर्ट में, इसलिए ना कोर्ट पर मान निकाला का सम्मान करते हैं, आप बाहर में आके बैठ लीजिए, पैसा उसको दे, चाय को करना, आप लोग ये लोग बैठे हुए थे, आप लोग अपने चीज पे बैठे थे, उसी में चाय पीते नाश्ता करते के दरमियान 35,000 रुपया उसको दिया गया, तत्काल हम लोग उसी जगह लगे हुए थे। जी बताओ अरुण पासवान की।